वेलकम बैक टू द बिस्किट बॉक्स। फिर से नया बिस्क कर रही हूं, बट इस टाइम हम लाए हुए हैं एकदम बहुत एकदम न्यूली एकदम बोलो पुराना एकदम जमाने का बिस्किट बोलते हैं ना वो ऐसा बिस्किट लाएंगे समझ है, जो आता है बिस्क फार्म कंपनी की तरफ से। बोल दो ये बिस्क फार्म ब्रांड थोड़ा नया हो सकता है फिर पुराना हो सकता है पहले का ब्रांड हो सकता है। इसका बिस्किट है ना इसका रिव्यू करने वाले बोलते हैं थोड़े अलग ही नाम से, एक समझ नहीं आता इसमें ये कैसे नाम आता है जब ये ओनली ये है करके, वो क्या है करके दिखाता हूं आपको। जाते हैं बिस्क फार्म कंपनी की तरफ से आने वाला क्रीम क्रैकर, मतलब कि वो है क्रीम बिस्किट, शुगर फ्री फुल टेस्टी बिस्किट। ठीक है, तो बिस्क फार्म तरफ से बिस्क फार्म कंपनी की तरफ से आने वाला क्रैकर क्या है इसका नाम है क्रीम क्रैकर। क्रीम क्रैकर यानी कि इसमें डाले हुए क्रीम, इसमें क्रीम ऐड किए गए, ठीक है, क्रीम बिस्किट जैसे रहता पर ये है शुगर फ्री। अबे ये कौन सा क्रीम है जो शुगर ही नहीं रहता यार, बोलते समझ में। ओके शुगर फ्री, शुगर फ्री फुल ऑफ टेस्टी, फुल ऑफ टेस्ट, इससे बेटर टेस्ट ही नहीं है कैसे, इससे बेटर टेस्ट कोई नहीं है, फुल ऑफ टेस्ट, फुल ऑफ टेस्ट गाइस। इसमें किस ठीक है, इसका इतना बड़ा 300 ग्राम्स ऑफ वेट पैकेजिंग साइज के हिसाब देख जाए तो आप कितना सोचोगे इसकी प्राइस कितनी रहेगी, 100 रुपीज, 80 रुपीज, 50 रुपीज, 45 रुपीज इसकी प्राइसिंग। यार 45 रुपीज की प्राइसिंग के हिसाब देख जाए तो कितना बड़ा बिस्किट है, देखिए कितना बड़ा साइज का बिस्किट है, ठीक है, जो ये बिस्क फार्म कंपनी की तरफ से बिस्किट एकदम जबरदस्त है, ठीक है, इतना बड़ा पैकेट के सामने सच में बढ़िया, ठीक है। अब इसका मैन्युफैक्चर है कर्नाटक में, कर्नाटक का बेंगलुरु में इसका मैन्युफैक्चर है। आप जानते हैं इसकी न्यूट्रिशन कंटेंट और इन्ग्रीडियंट अनबॉक्स करने से पहले तो आपको मिलता है इसमें एनर्जी, इसमें स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट से गई, कार्बोहाइड्रेट मिला आपको इसमें 69, शुगर मिलेगा 0, हाँ शुगर 0 है, ठीक है। आप बोलते इसमें प्रोटीन 11.5, कार्बो टोटल फैट मिलता है आपको इसमें 17, अरे एनर्जी का यार इसमें एनर्जी लास्ट में मिलता है आपको इसमें 463 ग्राम, आपको इसमें विटामिन आपको नहीं मिलते इसमें। आप जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट, आपको मिलता है इसमें रिफाइंड व्हीट फ्लोर की मैदा, शुगर रिफाइंड पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मिलता है आपको इसमें एडिबल वेजिटेबल पाम ऑयल, शुगर आपको मिलता है स्टार्च, शुगर इसमें तो ले शुगर 0 ग्राम, ओके ओके ओके, नेचुरली अक्रिंग शुगर है 5 ग्राम्स, नेचुरली अक्रिंग शुगर, वो कौन सा अक्रिंग शुगर होता है किस पता नहीं किस, ठीक है, वो कौन सा शुगर होगा पता नहीं, उसको टेस्ट कर लेंगे कैसा इसका एक्चुअल फ्लेवर रहेगा। अब और मेन है बिस्किट कंटेंट बनाने का, व्हीट मिल्क हाइपर सेंसिटिव इंग्रेडिएंट, अबे ये क्या हाइपर सेंसिटिव इंग्रेडिएंट है, खाते उड़ जाएंगे करके, ये क्या हाइपर सेंसिटिव इंग्रेडिएंट। एक्चुअली इसका मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, एक बोलता पूरा लंबा कंटिन्यू वीडियो नहीं था, यही ब्रांड का था वो भी उसमें था हाइपर सेंसिटिव, क्योंकि मैं वो पार्ट सब कट कर जाता सारा वीडियो, एक्चुअली बना रहे थे ऐसे ही वीडियो बना रहे थे, ठीक है, पर वो है ना एक आप वीडियो देखेंगे जैसे वो था उसमें चीज मैं इस करा था, देखो ये क्या फ्लेवर है वैसा कर रहा था ना, अब जिसने नहीं देखा जाके वीडियो देख ली, थोड़ा फुल वीडियो नहीं है वो, छोटा सा एकदम शॉर्ट वीडियो जैसे बोलते हैं ना वैसा है, पर वो बना ही नहीं पाया मैं क्योंकि उसको स्मेल लेने को ही मेरे को नहीं हो रहा, तो टेस्ट में ऐसा मुझे 10 साल पुराना सड़ा हुआ चीज एकदम खट्टा नींबू में डाल के रख दिया तो कैसा बास आएगा, वो बिस्किट में डाल के दे दिए वो भी तीखापन में यार उसमें, इसमें आप कैसा, इसमें भी लिखे हुआ हाइपर सेंसिटिव पता नहीं किसी के, अब देखना पड़ेगा किसी के अंदर से खोल के कैसे दिखते हैं अंदर से बिस्किट, 300 ग्राम के पैकिंग के सब देंगे 45 रुपीज, अच्छा है प्राइसिंग में, अच्छा तो है टेस्ट में तो अच्छा रहेगा पता नहीं किसी का। अब उसको खोल लेते हैं अंदर से, अंदर से बिस्किट दिखने में तो अच्छे दिख रहे हैं, स्मेल में भी बहुत अच्छे हैं, क्या मस्त दिख रहा है बिस्किट अंदर से, बहुत बड़े बड़े साइज के बिस्किट है, आपको दिखा तो मैं एक एक निकल के, टोटल आपको 3 पैक्स मिलता है अंदर बोल तो जैसे रैक में शेल्फ पे डाले हुए ऐसा, ठीक है, काउंट करते कर फर्स्ट कितने पीस मिलता है आपको इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 बिस्किट मिलता है आपके एक पैकेट में, ठीक है, बोलो एक 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 मिलता है आपको 14 बिस्किट मिलते हैं, एक को ले लेते हैं इधर से, फर्स्ट डार्क वाला ले लाइट वाला, ओके 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 आप समझ गए मैं ये किसका कॉपी करना था पे? गाइस जो हम बना चुके इसको पार्ले प्लैटिनम एडिशन तरह से वाला शुगर फ्री क्रैकर कौन सा एक बिस्किट था गाइस, ठीक है, वैसा ही डिटो सेम 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 प्योरली कॉपी करके रख दिए और नाम दे दिए हैं क्रीम बिस्किट फार्म गराज, नहीं गराज है, गराज नहीं कैसे कार सी आर कैरम कैरिमल कैरिमल, अरे कैरिमल कहाँ, ये कौन सा क्रीम बिस्किट है यार समझ नहीं आता, देखिए प्योरली डिटो सेम टू सेम बिस्किट का कॉपी, ओके ओके सर गिर चुके और एक लेते कोई बात नहीं, हाँ वही सेम टू सेम डिटो टू डिटो वैसा ही इसका पैकिंग है। एक्चुअली इस बिस्किट को है ना पार्ले की तरह से ना बिस्किट जो ब्रांड था ना उसमें विड्थ भी थे जिसका मोटापा है ना वो मोटापा इसका जिसका क्या बोलते हैं इसका वेट हाइट क्या की बोलते हैं ना किसती है ज्यादा है ना इसके है ना ये विड्थ यार क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, इसका हल्का सा है ना ये थोड़ा उठा हुआ है ऊपर से, देखिए थोड़ा उठा हुआ है ना वैसे दिखता है इधर से, वो नॉर्मल है ऐसा नहीं कि थोड़ा अभी नॉर्मल है बिस्किट थोड़े तो पतले पतले रहते हैं, ऐसा लगता है दो लेयर आ रहे हैं इसके बिटवीन में ऐसा लगता है, ठीक है, अब बोलते हैं इसको प्योरली अगर इसको है ना एक्चुअली ये नॉर्मल पता है बिल्कुल फ्लेवर बोलते एकदम जीरो रहता है इसका फ्लेवर, ज्यादा रहता है कुछ फ्लेवर नहीं रहता है, इसके साथ है ना लोग ऐसे चाट बना सकते हैं, इसमें रिकमेंड नहीं किए गए या फिर उसको बताया भी नहीं कि इसको क्या कुछ बना सकते हैं क्या, नहीं 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 मैं अच्छे से देख चुका इसमें तो कहीं लिखे कि आप इसको कुछ डिश बना सकते हैं कोई चाट बना सकते हैं, पर पार्ले प्लैटिनम डिशिंग तरह से बिस्किट में जो था वो रिव्यू किया हूँ, छोटा भी किया हूँ नया वाला भी बड़ा किया इसका ही पैक आता है उसको मैं कर चुका हूँ, वो 40 रुपीज का था सच में, वो 40 रुपीज का अपने तो इतना ही पैकिंग इतने ही शायद बिस्किट आते होंगे इस, ठीक है पता नहीं इतने शायद बिस्किट आते होंगे मुझे पता नहीं इस, ठीक है फिर भी जाते रहना सेम लुक में डिजाइन एकदम सेम है, ठीक है अब वो भी ना होल्स बेसिस की है बोलते स्पैक एकदम वही ऐसा लगता है, ठीक है मुझे अब लेते हैं इसको स्मेल, और वो क्रीम कहाँ, अरे अरे एक मिनट बस वो क्रीम क्रैकर और कैरिमल कहाँ है इसमें तो बड़े बड़े में लिखे क्रीम क्रैकर शुगर फ्री, ओके शुगर फ्री और इसमें तो लिखे कैरिमल, वाह क्या कैरिमल बिस्किट है और क्या क्रीमी बिस्किट दिखता है, कौन सा क्रीम, एक किसको क्रीम दिखता है यार आपको दिखता है क्रीम उसमें यार तोड़ के देखो तो अंदर से क्रीम निकला है क्या, ये स्मेल में तो बहुत ही प्लेन बिस्किट बोलते ना एकदम जीरो शुगर जैसे बिस्किट एकदम, इसमें आटा नहीं है, नहीं इसमें आटा नहीं क्या बोल रहा हूँ मैदा है मैदा प्योरली मैदा है इसमें, इसमें आटा बिल्कुल ऐड नहीं किया इसमें पूरा मैदा है, वो बिस्किट में आटा आता था क्या शायद नहीं वो आता था नहीं आता है पता नहीं कमेंट के बाद, ठीक है अब तोड़ के देख लेते क्या साउंड आया देखिए अंदर से बहुत तो क्रिस्पी बिस्किट है, ठीक है अब इसका खा के देख लेते थोड़ा पानी लेने पड़ेगा, यार बहुत ही प्लेन बिस्किट यार इसमें कुछ भी फ्लेवर नहीं है, इसको आप ओनली ले सकते हैं जिसको शुगर बिस्किट नहीं खाना, जो शुगर पेशेंट रहते होंगे बिल्कुल शुगर नहीं खाना वो तो शुगर पेशेंट भी नहीं लेंगे कि इसको ये कौन लेगा यार बिस्किट सच में, अरे बोल तो फ्लेवर अरे क्या बोलते इसको एक्चुअली इनमें रिकमेंड करना चाहिए था, इससे आप कुछ डिशेस बना सकते हो या फिर फ्रूट सलाद जैसा बना सकते हो, उसे क्रंची क्रंची सलाद जैसे बोलते हैं ना एकदम वैसा रहता है ना,
चाट में ऐसे यूज कर सकते हो, बोलते जाता है इनमें रिकमेंडेशन कैसे भी कर सकते थे, जो पार्ले ब्रेड एंड एडिशिंग करसनल वो करते थे, करें अभी भी जाके देख लो वीडियो, आपको समझ आ जाएगा मैं इतने कितना बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में। तो एक्चुअली इसका फ्लेवर था ना, एक बोल तो एक्चुअली इसमें लिखी है क्रीम कैरेमल बिस्किट, कहाँ है यार, कौन यार यार क्रीम की, ये नाम एक्चुअली नहीं देना चाहिए इसको, बिल्कुल नहीं देना चाहिए इसको, रखना चाहिए था शुगर फ्री क्रैकर बिस्किट, इतने ये क्रीम कैरेमल वो सब कई कू यार, उसका मतलब वो क्रीम वर्ड जस्टिफाई नहीं होता इधर बिल्कुल नहीं, ये कौन सा, ये कहाँ किधर का क्रीम बिस्किट है, इंग्रेडिएंट में ना क्रीम बिस्किट डाले हुए या फिर क्या अंदर उसमें लिक्विड डाल के इसको फ्रोजन करके एकदम आटे जैसा बना के डाल दिया क्या, ऐसा लगता है ना पूरा पूरा नहीं बोल रहा आटा एकदम, वो चपाती एकदम गट्ट होता ना चपाती रोटी ऐसा होता ना, ये तो बोला जब गट्ट गट्ट होता ना पूरा ऐसा खाते तोड़ते हैं ना ऐसे खाकर जैसा, वैसे इसका बोलते प्योरली प्लेन बिस्किट जिसमें एकदम शुगर बिल्कुल ऐड नहीं किया गया, एकदम मेरा जैसा बिस्किट बोलता ना खाने में एकदम क्या फ्लेवर ही नहीं, तो क्या बताऊँ मैं आगे सबको, इसमें ओनली मैदा का बिस्किट जिससे फ्लेवर रहता था इसमें एक्चुअली। तो अब काम करते हैं इसके साथ शुरू करता मेरा एक्सपेरिमेंट, जब पता है ना कमेंट कर देना, चाहे शुरू करता मेरा एक्सपेरिमेंट, इसको लेते हैं इतना लंबा बिस्किट है, इधर से इधर ग्लास पानी, इसका स्टन चेक करते पानी में डाल के 5 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5 टूटा नहीं, आज खा के देख लेते, बिल्कुल नहीं नहीं, क्या फ्लेवर है यार, ना फ्लेवर ही नहीं है तो क्या फ्लेवर रहेगा इसमें, पहले तो शुगर फ्री है, जितना फ्लेवर उतना खाने में जितना आ रहा था खा रहा है बिस्किट जैसा, पर अब वो क्रीम का है, अब क्रीम ये क्या क्रीम भाई, ये कौन सा क्रीम है सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्रीम कहाँ है इसमें दिखा दो, बिस्कुट आके दिखा दे तो क्रीम इसमें कहाँ है करके बता दूंगा, ओके मान लो ओके क्रीम कैरेमल ऐड किएंगे, अरे कहाँ का क्रीम, कौन सा क्रीम, कहाँ का कैरेमल, इंग्रेडिएंट में एक एक पढ़ के दिखा दो आपको, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें कैरेमल क्रीम, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, जीरो आपको मिलता ही नहीं, ठीक है एक बार मैं बता देता हूँ फिर से आपको सारा, मैं सारा एक एक पढ़ के बता देता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा ही बोलता हूँ क्योंकि जो मेन रहता है ना वो बोल देता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है ठीक है। अब स्टार्टिंग बोलता हूँ, इन्ग्रीडियंट रिफाइंड व्हीट फ्लोर की मैदा, रिफाइंड पाम ऑयल, हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल, अब मतलब एडिबल वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट, एडिबल स्टार्च, कॉर्न पाउडर ना फेस पाउडर नहीं, वाइल डब्ल्यू एच ई वाई वही पाउडर वही पाउडर वही पाउडर किस, ठीक है, और ईस्ट, रेजिन एजेंट्स आपको मिलते हैं इसमें, डो कंडेंसर आपको मिलता है इसमें, डिस्परेजिंग एजेंट, अब ये कौन सा एजेंट है बताने, ठीक है, रेगुलेटर कौन सा रेगुलेटर है, ठीक है, फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट, अरे कौन से एजेंट है यार समझ नहीं आता, एंड एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट और है बता दो, ठीक है, कंटेंट्स आपको मतलब इसमें डायट्री फाइबर मिलता है आपको इसमें फाइबर, अब यार शुगर में शुगर ही नहीं तो फाइबर कहाँ से मिलता है, ओके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, कौन सा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ओके नंबर सिस्टम है 0.89 जीएम 100 जीएम ओके, और मेन अब बिस्किट कंटेंट आने का एक वीट मिल्क हाइपर सेंसिटिव इंग्रेडिएंट, इतना था इसका इंग्रेडिएंट, कहाँ से क्रीम कौन सा कैरेमल बिल्कुल नाम इसका जस्टिफाई नहीं होता इधर, एकदम इसको बोल सकते थे नॉर्मल शुगर फ्री क्रैकर क्रैकर बिस्किट, इसको बोलते इसको स्कूल जाए बच्चों को लेकर जा सकते हैं, अरे कौन लेकर जाएगा इसको, फ्लेवर ना पसंद आएगा उधर ही बोल देंगे तू खा वा बस बहुत अच्छा बिस्किट है अब से कल से मत लाना इसको किसी, अरे बोल तो चाय के साथ भी लेने का मजा नहीं आएगा इसको सच में, इसको बोलता मैं नॉर्मल बोलता इसको चाय एकदम इसको खाने जितना तो एकदम ठीक है, बस बस इसको आप इंग्रेडिएंट के साथ यूज कर लो आपका मर्जी, हाँ आपका मर्जी कैसे भी यूज कर लो, हमको तो इसको परवाह नहीं, अभी ये बिस्किट तो जाएगा खाने वाले इसको इसको ठीक है इस खाने वाले ठीक है, एक्सपायरी इन 6 मंथ्स
6 महीने से पहले इसको कुछ भी खा लो गाइस, इसका एकदम मस्त बिस्किट है खाने में जबरदस्त। 6 महीने से पहले इसको खा लो नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। इसका ना पूरा कैसे रहता है पाउडर क्या, उसको एकदम चूरा करके चाट 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 इसका चाट बना लो, एकदम मस्त रहता है। इससे गर्मी बना सकते हैं, दुकानदार को दे दो इसका कुछ चाट बना के दो, मतलब कैसे बना के तो दे देगा इसी का आपको के चाट तो बना के दे देगा। बोलते खाने में एकदम जबरदस्त बिस्किट है, जबरदस्त बिस्किट है, एकदम जबरदस्त क्रीम मार के वेनिला एकदम कैरिमल डाल के बिस्किट दिए गए इसमें। तो दिए गए इसको बोलता हूँ जो मना है बिस्किट का रिव्यू, आज एक मॉर्निंग शॉप पर्टिकुलर यूट्यूब पे देख जाना, एवरी डे मत देखे। सो थैंक्स फॉर द वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्क्यूट बॉक्स।